बढ़ेंगे आगे। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के उलीहातू से सटे कई ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जो कि आज भी विकास की बाट जोह रहा है। इन गांवों में न तो पेयजल की व्यवस्था है और न ही बिजली की। एक और इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खेतों के बगल से जा रही कच्ची सड़क, गांव के बीच बना कुआं, ये सभी चीजें एक गांव की खूबसूरती होती है। लेकिन इन नजारों के साथ बुनियादी सुविधाओं पर भी गांव में रहने वाले लोगों का हक होता है। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के गसार तुबेद में और लुपुंगडी ऐसे गांव हैं जहां आजादी के कई सालों बाद भी बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। खाना पीने बनाते हैं, पीने के लिए ले जाते हैं, सब कुछ के लिए इसे यहीं से ले जाते हैं। तब पानी और नहीं है, इसीलिए और क्या करेंगे, तब दूर तो है ही है, मतलब फिर भी ले जाना पड़ता है सब कुछ के लिए यहीं से। मतलब कुछ भी सुविधा हम लोग के पास नहीं है। बीमार नहीं होते? बीमार भी होते हैं, सांप भी घुसते हैं, कीड़े मकोड़े सब घुसते हैं, फिर भी ले जाते हैं, क्या करेंगे। और तो पानी है नहीं, इसीलिए ले जाते। तो बहुत सारी चीज है, बहुत सारा चीज सरकार दिया है और बहुत सारा चीज नहीं दिया है। विशेष तो हम लोग का गाँव में बिजली नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, और किसी किसी को जो हमेशा देते हैं उसी को कुआं का देते हैं सुविधा, और बहुत सारे लोगों को उसका सुविधा भी नहीं देता है, कुआं भी नहीं बनवा रहे। इन गांवों में पेयजल के स्रोत के नाम पर एक चुआ है जिसके पानी से ग्रामीण अपनी प्यास बुझा रहे। मजे की बात यह है कि इन सभी गांव से सटे उलीहातू में ये सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन गसार तुबेद और लुपुंगडी गाँव के लोग इसके लिए तरस रहे हैं। इस गांव में विकास के नाम पर कुछ साल पहले एक सड़क का निर्माण कराया गया था जिसकी हालत भी अब खस्ता हो गई है। तुम है तो ये सामने है, वहाँ पर तो सब कुछ सुविधा है, लेकिन हम लोग ये गसर टोला लुपुंगडी तुबिन में हम लोग का वार्ड निकल पंचायत में बिजली नहीं है। हम लोग का टोला में ना पानी की सुविधा है ना बिजली की सुविधा। देखा जाए तो बहुत दिन से, जब से देश हमारा इधर आजाद हुआ, जब भगवान बिरसा मुंडा जो लड़ाई किया था उस टाइम से उधर पूरा मिल गया, बोलिया तो बड़ी निष्कल हो गया, उधर सब मिल गया, अपना सिलदा में भी मिल गया, पर अपना ये घसर लुपुंडी तुबेट इसमें नहीं है। टन्ना टंकी है, पानी का सुविधा है, ना बिजली है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के समय राजनेता लुभावने वादे कर वोट तो ले जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद इन गाँव की समस्या जस की तस बनी रहती है। बहरहाल प्रशासन की अनदेखी और राजनेताओं की उदासीनता से अब ग्रामीणों की उम्मीद टूटने लगी है। न्यूज 11 भारत के लिए बुंडो से राज की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।